फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हुनर हाथों का। मैं देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लाई हूँ। ये 3D इफेक्ट देता है ये डिज़ाइन, देखिए बहुत सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों का स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, शॉल, मफलर, किसी में भी डालिए आप, बहुत सुंदर लगता है। इसमें 3D इफेक्ट आता है, देखिए आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसको बनाने के लिए पहले आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डाल लीजिए, जो भी आपको बनाना है। इसके फंदे 8 के मल्टीपल प्लस 3 में डलेगा। अपने फंदे डाल लीजिए, उसके बाद अपना बॉर्डर तैयार करिए जितना ही बनाना है। उसके बाद देखिए सीधी सिलाई से शुरू हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, या आपको बुनना है तो बुन के उतारिए, और सेकंड फंदा हम बुनेंगे सीधा, धागा आगे करेंगे, और फिर यहाँ से 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने बुन लिए, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ से 7 फंदे फिर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बुन लिए, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, ये जाली बना रहे हैं हम धागा आगे करके, फिर एक धागा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 7 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फिर धागा आगे करेंगे, और नहीं, ये लास्ट के जो हमारे पास 2 बचे हैं, इसको बिना धागा आगे करें सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई हमें अपनी पूरी उल्टी निकालनी है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको सीधे सीधे से सिंपली हम उल्टा बिन के पूरा तैयार रो निकाल लेंगे। सेकंड रो हमारी पूरी उल्टी बनी जाएगी। ये अब हमारी तीसरी रो है। तीसरी रो में देखिए फिर से कैसे करना है। पहला धागा हमने, पहला फंदा उतार लिए, बुनिए चाहे उतारिए। अब ये जाली तक हमारे पास, पहले हमने 2 लिए थे, अब यहाँ पे जाली तक हमारे पास 1 फंदा इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हमें 3 फंदे बुनने हैं। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे किए, फिर नेक्स्ट 7 जो हैं बुन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे हमने फिर सीधे बुन लिए, फिर धागा आगे किए, फिर अब यहाँ जो हमने जाली डाली थी, इसके दोनों तरफ हमारे पास फिर 3 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। 1 2 3 3 फंदे हो गए हमारे। फिर से धागा घुमाएंगे, आगे करेंगे धागा, फिर 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे फिर सीधे बुने, फिर धागा आगे किए, फिर जाली के दोनों साइड एक एक फंदा इंक्रीज है, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे किए, फिर 7 फंदे बुन लेंगे। इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। 3 4 5 6 7 फिर धागा आगे किए, 3 फंदे सीधे, 2 3 फिर धागा आगे किए, फिर 7 फंदे, 1 2
3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 फंदे बुन लिए। अब फिर ये जो बचे हुए फंदे हैं हमें इसको फिर ऐसे ही बुन के उतार लेंगे इस तरीके से। अब उल्टी सिलाई हमें पूरी अपनी उल्टी निकाल लेनी है, इसमें कुछ नहीं करना। तो दिखाती हूँ, ये हमारी फोर्थ रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसे हमने सीधे उल्टा उल्टा बुन के उतार लिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ रो ही हमारी बहुत मेन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब पहला फंदा स्लिप स्टिच जो हमने उतार लिया, अब इसके बाद 1, 2, 3 टोटल 4 फंदे हमारे निकाल लिए हैं हमने। फिर धागा ऐसे 2 बार आगे करेंगे, पहले 1 बार घुमा रहे थे, अब 2 बार ऐसे घुमाएंगे। और नेक्स्ट जो 7 फंदे हैं उसको हम उल्टा बुनेंगे 2 बार, ऐसे 2 बार धागा लपेट के, 1 और 2 दो बार लपेटे, फिर निकालिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 फंदे हमने 2 बार धागा लपेट के निकाल लिए। अब फिर इस धागे को हम यहीं रखेंगे, इसको कहीं नहीं करना। और ये अगले जो फंदे हैं हमारे, इसको हम सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, नेक्स्ट 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए धागा आगे ही रख के। अब धागे को फिर 2 बार लपेटेंगे इसमें, 1, 2। अब फिर नेक्स्ट 7 फंदे जो हैं हमें ऐसे ही निकालने हैं, 2 बार लपेट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट 5 फंदे हमें फिर सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, मेरी 5वीं लाइन भी पूरी हो गई। अब आ गए हैं हम लास्ट लाइन पे। ये 6 सिलाई का डिज़ाइन है, ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट लाइन है। देखिए, इसको इसे उल्टा ही बुनना है, मगर किस तरीके से देखिए। आगे से पहले हम 5 फंदे जो हैं ये स्लिप स्टिच उतार लेंगे, इसके बाद अपने फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे हम बुन लिए जाली के इस साइड के। अब इसको देखिए, ये नेक्स्ट 7 जो फंदे हैं इसको खोलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट का हमारा 7, 7 फंदे जो हमने खोले हैं इसको अब इधर सिलाई में लेंगे। 7ों फंदों को इधर सिलाई में उतारेंगे और एक साथ इसे उल्टा बुन देंगे इस तरीके से। उल्टा बुन के सारे फंदे गिरा देंगे नीचे। अब अगले फिर जाली के उस साइड के फंदे हमें बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये
सेवन सेवन फंदे हम बुन के उतार लेंगे। सेवन फंदे हमने बुन लिए, अभी नेक्स्ट सेवन फंदे फिर हमें उत खोलने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये लास्ट का सेवन। अब फिर इन सेवन फंदों को हम इसमें लेंगे, इस तरफ सिलाई में लेंगे और इसको उल्टा बुन के उतार देंगे इस तरीके से। हो गया, फिर नेक्स्ट सेवन फंदे हमें बुनने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन। अब ये सेवन फंदे खोल लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये लास्ट का सेवन। अब इसे फिर सिलाई में उतारेंगे और इधर से फिर इसको उल्टा बुन के निकाल लेंगे। सात फंदों का एक फंदा कर दिए। अब फिर नेक्स्ट सेवन फंदे बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब फिर ये हमारे बीच के जो सेवन फंदे हैं इन्हें खोलेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये लास्ट का सेवन। फिर इन सेवन फंदों को हमें यहाँ बुन लेना है, उल्टा सेवन का एक बना देना है। अपने सातों फंदे हमने सात का एक कर दिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फंदे बचे हैं उसको हम बुन लेंगे। वन टू थ्री फोर, ये बाकी के फंदे हमने बुन के उतार दिए। तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन चलेगा। देखिए अब नेक्स्ट रो में आप कैसे इसको बुनेंगे वो बता देती हूँ। बस यही पैटर्न हमें रिपीट करते जाना है। अब अगली सिलाई हमारी कैसे होगी, उसी तरीके से जो हमने फर्स्ट रो में लिया था। मगर क्या होगा, ये जो बीच का फंदा जो हमने सात का एक बनाया है, ये हमारा चौथा फंदा होगा हर बार में। दिखाती हूँ आपको। वन टू थ्री और ये फोर, ये एक फंदा जो हमने स्लिप स्टिच उतारा और तीन फंदे हमने बुन लिए। तीन बुन के ये वाला फंदा हमारा चौथा रहेगा हमेशा। थ्री ये हो गया हमारा फोर, एक स्लिप स्टिच और वन टू थ्री फोर। अब फिर नेक्स्ट इसको धागा आगे करेंगे और फिर नेक्स्ट वैसे ही वन, फिर धागा आगे और फिर सेवन फंदे। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन। इसी तरीके से हमें ये उतारते जाना है और हमारा डिज़ाइन जो है फिर यही रिपीट होता जाएगा और बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आएगा। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।